आइए आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बनारस की है, जिसे कभी काशी कहा जाता था, वाराणसी कहा जाता था। ये वक्त वो था जब हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत का राजपाट था। इसी बनारस शहर में एक ब्राह्मण परिवार, जिनकी एक खूबसूरत बेटी। खूबसूरत बेटी एक दिन बाज़ार में होती है, तभी उसको मुगलिया सल्तनत का एक सेनापति देख लेता है। वो उसके रूप पर मोहित हो जाता है और लड़की के पिताजी से जाकर कहता है कि अपनी बेटी को 7 दिन के अंदर सजाकर डोली में मेरे घर पे भेज देना। पंडित जी परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुगलिया सल्तनत, जिनके बारे में कहा जाता है बहुत क्रूर शासक हुआ करते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो अपनी बेटी से उन्होंने कहा, जिसका नाम शकुंतला था, बेटी ऐसा ऐसा मामला है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी भी चिंतित हो जाती है। वो कहती है, पिताजी आप परेशान ना हो, आप उनसे कहें कि हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। ये सुनकर पंडित जी किसी तरह हिम्मत करके उस सेनापति के पास जाते हैं, जो कि मुग़ल सल्तनत का सेनापति, बहुत ताकतवर था, और उससे जाकर कहते हैं, विनती करते हैं कि आप 1 हफ्ते का तो नहीं, चूँकि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं अपनी बेटी को डोली में बैठा कर आपके यहाँ वक्त से पहुँचा दूँगा। ये कहकर पंडित जी वापस आ गए और अपनी बेटी से बताया कि मैंने ये बात तो कह दी, लेकिन 1 महीने में ऐसा क्या होगा बेटी, मुझे बहुत चिंता है। वो बेटी कहती है, आप चिंता ना करिए पिताजी, मैं दिल्ली जा रही हूँ। और ये कहकर वो एक मर्दों के भेष में, लड़कों की तरह, पंडित जी की बेटी शकुंतला चल देती है दिल्ली की तरफ। दिल्ली पहुँचती है, दिन जुमे का होता है। उसे पता है कि जुमे के दिन अक्सर बादशाह जुमे की नमाज़ पढ़कर जब निकलते हैं मस्जिद से, तो तमाम वहाँ पर लोग उनसे मिलते हैं और अपनी अपनी परेशानियाँ बयां करते हैं, या तो चिट्ठियाँ लिखकर बादशाह को दे दिया जाता है, और बादशाह देखने के बाद उस पर जो भी ज़रूरी कदम होता है वो उठाता है। यही सोचकर वो पहुँचती है मस्जिद। नमाज जुमे की ख़त्म होती है, बादशाह सलामत सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, और जितने भी लोग खड़े होते हैं सबकी अर्ज़ियाँ ले रहे होते हैं। और ये करते करते जब वो शकुंतला के सामने आते हैं, तो अपने हाथ में एक कपड़ा लेते हैं, उसके बाद उस लड़की से अर्ज़ी लेते हैं। शकुंतला को बड़ा अजीब लगता है, वो पूछती है कि बादशाह सलामत, आपने ऐसा क्यों किया, सबसे आपने ऐसी चिट्ठियाँ ले ली, और मेरी चिट्ठी लेते वक्त आपने अपने हाथों पे कपड़ा क्यों रख लिया। तो बादशाह सलामत ने फरमाया, बेटी हमारे मज़हब में गैर महरम को छूना पाप है, यानी कि गैर औरत को। ये सुनते ही शकुंतला परेशान हो गई कि मैं तो लड़कों के लिबास में हूँ और कैसे इन्होंने पहचान लिया। खैर, बादशाह सलामत ने कहा कि बेटी ऐसा है, तुम हमारे दरबार चलो और आराम करो, उसके बाद मैं देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वहाँ पर शकुंतला कुछ दिन के लिए रुकती है। एक दिन बादशाह उससे कहते हैं, बेटी तुम जाओ और जाके कहलवा देना सेनापति को कि 1 महीने बाद मैं डोली पर बैठकर ज़रूर आऊँगी। ये कहकर बादशाह ने शकुंतला को वहाँ से भेज दिया। शकुंतला मन में बहुत से प्रश्न थे, लेकिन बादशाह से पूछ नहीं सकती थी। वो तो बड़े आस लेकर आई हुई थी कि बादशाह उसको बचाएंगे, लेकिन बादशाह खुद कह रहे हैं कि आप चली जाओ और जाके सेनापति से कहो कि 1 हफ्ते बाद मैं डोली पे सज धज कर आऊँगी। वो आती है बनारस वापस अपने पिताजी के पास, जो कि पंडित जी हैं। पंडित जी से सारी बातें बताते हैं। पंडित जी भी परेशान कि आखिर ऐसा क्यों कहा बादशाह सलामत ने, उनको तो बड़ा गुस्सा होना था, तुरंत सजा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, उनको भी ये शंका थी कि भाई मुग़ल है, वो भी मुसलमान, सेनापति भी मुसलमान, तो काहे को बादशाह हमारी सुनेगा। यही सब सोच रहे थे, लेकिन बेटी को तब भी कहीं ना कहीं मन में एक आशा की किरण थी कि जब तक मैं रही, मुझे बादशाह ने कई बार बेटी कह के पुकारा था, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। खैर, वो दिन आता है जिस दिन वो बेटी इंतज़ार करते करते डोली में सच कर बैठती है, और वो डोली पहुँचती है बादशाह के यहाँ।
बादशाह के यहाँ बहुत से लोग होते हैं। जैसे ही डोली पहुँचती है, सेनापति निकलता है और डोली की तरफ बढ़ता है, तभी एक कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति अपना कंबल हटाता है तो लोग देख के हतप्रभ हो जाते हैं कि वो बादशाह सलामत है। बादशाह सलामत आते हैं, सेनापति को पुकारते हैं, रोकते हैं और अपने लोगों को हुक्म देते हैं जाकर चार हाथी लाए जाएं। चार हाथी लाए जाते हैं और यह हुक्म दिया जाता है कि सेनापति के एक एक हाथ, एक एक पैर चारों दिशाओं में जो जानवर हाथी हैं उनके बांध दिया जाए और उसके बाद उनको विपरीत दिशाओं में चला दिया जाए। ये होते ही सेनापति कई टुकड़ों में कट जाता है और मर जाता है। ये मंजर देखकर वहाँ पे हर इंसान हतप्रभ है कि आखिर ये क्या हुआ। उसके बाद बादशाह सलामत बेटी से कहते हैं अपने घर चलो और मुझे भी ले चलो। शकुंतला खुशी खुशी अपने घर आती है। पंडित जी होते हैं, बादशाह सलामत वहाँ पे रुकते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि मुझे 2 रकात नमाज अदा करनी है। खैर बादशाह की बात, तुरंत पंडित जी उनके लिए एक चबूतरे पर इंतज़ाम करते हैं और मुग़ल बादशाह वहाँ पे नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद अपना सलाम फेरता है। उसके बाद शकुंतला से कहते हैं ए बेटी मुझे एक गिलास पानी दे दे। शकुंतला उन्हें एक गिलास पानी देती है। सब बड़े प्रश्न होते हैं बहुत से मन में, लोग बड़ा समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब वो मुग़ल बादशाह फरमाता है कि बेटी जब से तू आई है फरियाद सुनाकर, मैंने उस दिन से अभी तक पानी नहीं पिया था। आज मैंने ये इंसाफ दिलाकर दिल को बहुत तसल्ली हुई और खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज मेरे द्वारा एक मेरे ही सल्तनत की बेटी की इज्जत मैंने बचा ली। मुझे बहुत सुकून हो रहा है, अब मैं पानी ग्रहण कर रहा हूँ। ये सुनते ही वहाँ पे तमाम लोग बादशाह की जयकार करने लगते हैं। उसके बाद पंडित जी से विदा लेकर बादशाह वापस दिल्ली की ओर कूच कर जाता है। लेकिन पंडित जी को ये बात बहुत दिल को छू जाती है और गांव के लोगों के साथ मिलकर पंडित जी जिस जगह वो चबूतरे पे जहाँ नमाज पढ़ी होती है मुग़ल बादशाह ने, वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराते हैं गांव के लोग, हिंदू भाई लोग, और उस मस्जिद को आज हम बनारस में धनेड़ा की मस्जिद के रूप में जानते हैं जो कि आज भी वहाँ पर है। और उसमें ये चीज़ का उल्लेख है कि उस मस्जिद को वहाँ के पंडित और पंडित परिवार के लोगों ने, यानी हिंदू भाइयों ने उस मस्जिद का निर्माण कराया था। पूरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि वो मुग़ल बादशाह कौन था। जी हाँ, वो मुग़ल बादशाह कोई और नहीं, आलमगीर बादशाह था। अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आलमगीर बादशाह कौन है। जी हाँ, ये बादशाह औरंगज़ेब की कहानी है और ये सत्य घटना है। बनारस में आज भी वो मस्जिद है, उस मस्जिद में एक शिलालेख है जिस पे ये लिखा हुआ है पूरा प्रकरण। जी हाँ, औरंगज़ेब का नाम सुनकर आप कांप गए होंगे कि वही औरंगज़ेब जो कि 1.25 मन जनेऊ तौलता था पंडितों को काटने के बाद, तब वो खाना खाता था, ऐसी उसकी भ्रांतियाँ फैलाई गई। सोचिए कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। और वहीं दूसरी तरफ ये भी फैलाया गया कि औरंगज़ेब हिंदुओं का दुश्मन था और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ता था। तो मैं बताता चलूं कि औरंगज़ेब बादशाह न हिंदुओं का दुश्मन था, न किसी और मज़हब का दुश्मन था। वो दुश्मन था कर्मकांडों और धर्मांधता का। इतिहास गवाह है, उसने मंदिरों के साथ साथ बहुत सी कब्रों को, यहाँ तक कि दरगाहों को भी तोड़ा था जहाँ पर कि मुसलमानों के बड़े बड़े पीर औलिया दफनाए गए थे। सिर्फ उसका ये सोच थी कि ये कर्मकांड, ये धर्मांधता कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी बुराई है और इससे बहुत से लोगों का शोषण होता है। तो ये आज की कहानी, मेरा बताने का मकसद यही था कि कभी कभी झूठ को इतना दोहराया जाता है कि उसको सच मान लिया जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में फिर से कोई नया बखेड़ा हो जैसा कि ज्ञानवापी पे चल रहा है। आप खुद सोचिए, समझिए, चीज़ों को जानिए, उसके बाद फैसला करिए कि हमारे लिए आज क्या ज़रूरी है। मंदिर मस्जिद की, हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे बच्चों की पढ़ाई, गरीबों के लिए अन्न, कपड़ा, मकान, ये आपको सोचना है। इसी कहानी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ से आपको देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।